देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में शुरू की गई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक डेकेड यानी 10 साल 25 सितंबर को पूरे हो चुके हैं और इस मुहिम से देश में क्या क्या बदला, इस बारे में पीएम मोदी ने खुद स्टेटिस्टिक्स के जरिए तस्वीर साफ की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि मेक इन इंडिया का असर हर सेक्टर पर देखने को मिला है। मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सेमीकंडक्टर सेक्टर, सभी जगह भारत का दबदबा बढ़ रहा है। 10 साल पहले शुरू की गई मेक इन इंडिया मुहिम को जबरदस्त सक्सेस मिली है और भारत अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को भारत को एक मेजर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ ही मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने एक लिंक्डइन पोस्ट के जरिए इस मुहिम की अचीवमेंट्स गिनाई। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के एक दशक पूरे होने पर इसकी छाप सभी सेक्टर्स पर दिखाई देने लगी है। ये 140 करोड़ भारतीयों के कलेक्टिव रेजोल्यूशन को दर्शाता है जो हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का पावर हाउस बनाने के लिए कमिटेड हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में उदाहरण देते हुए कहा कि साल 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थीं, जो अब 200 हो गई हैं। इसके साथ ही हमारा मोबाइल एक्सपोर्ट 1556 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यही नहीं, भारत में यूज़ किए जाने वाले 99% मोबाइल फ़ोन अब मेड इन इंडिया हैं और हम ग्लोबली दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में बताया कि देश स्टील का नेट एक्सपोर्टर भी बन गया है, जिसका प्रोडक्शन 2014 से अब तक 50% से ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी दुनिया भर से 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्रोथ को लेकर कहा कि जो निवेश आया है उसके तहत 5 प्लांट मंजूरी किए गए हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी प्रतिदिन 7 करोड़ से अधिक चिप्स की होगी। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी भारत बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है और वर्ल्ड लेवल पर 4th सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, जो 2014 में प्रैक्टिकल रूप से अस्तित्व में ही नहीं थी, अब 3 अरब डॉलर की हो चुकी है। मेक इन इंडिया की 10वीं एनिवर्सरी पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो पिछले एक डिकेड से इस इनिशिएटिव को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या आप पीएम मोदी की इन बातों से सहमत हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।